क्या आपको पता है भारत में 50% से अधिक महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर तब डिटेक्ट कर पाती हैं जब वो एक एडवांस स्टेज या थर्ड और फोर्थ स्टेज में पहुंच जाता है, जिसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस बिल्कुल लिमिटेड होते हैं और ब्रेस्ट रिमूवल ही एकमात्र ऑप्शन होता है। क्या कारण है? कारण है अवेयरनेस की कमी। लोगों को पता ही नहीं है कि अर्ली डिटेक्शन या स्क्रीनिंग क्या होता है, जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर को होने से पहले या अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर पाते हैं। अर्ली डिटेक्शन के दो प्रमुख तरीके हैं, एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, दूसरा है मैमोग्राफी। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन 20 साल की उम्र से ही शुरू हो जाना चाहिए। आइए चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताती हूँ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में पहला स्टेप है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब है ध्यान से ब्रेस्ट को एग्जामिन करना। हाथ को ऊपर रखकर या फिर कमर पे रखकर हम दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे। ब्रेस्ट के पहले तो साइज देखते हैं, दोनों एक समान साइज के हैं या साइज में अंतर है। दूसरी चीज देखते हैं निपल पोजीशन। निपल आमतौर पे सेम लेवल पे होती है, एक ऊपर या एक नीचे नहीं होनी चाहिए। निपल के एरिया जो आसपास का हिस्सा है वहाँ पे कोई अल्सरेशंस या वहाँ पे कोई डिसकलरेशन, अलग रंग होना इस टाइप से तो नहीं है। तीसरी चीज़ हम ब्रेस्ट की स्किन एग्जामिन करते हैं। ब्रेस्ट की स्किन में कोई ऑरेंज पील या संतरे के छिलके की तरीके से अपियरेंस तो नहीं है या कोई गड्ढा या डिम्पलिंग तो नहीं है। इस तरीके की चीज़ें हम लोग इंस्पेक्शन में जांचते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में सेकेंड स्टेप है पैल्पेशन। पैल्पेशन में तीन फिंगर्स के द्वारा हम लोग ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं। पहली स्टेप में सुपाइन पोजीशन में या स्लीपिंग पोजीशन में हम ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं। इसमें पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड को सिर के नीचे रख लेते हैं और राइट हैंड से ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं। एग्जामिनेशन के लिए ब्रेस्ट को एक क्लॉक की पोजीशन में बना लेते हैं और दो सर्कल्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले आउटर सर्कल में 12 क्लॉक या 12 बजे की पोजीशन से स्टार्ट करते हुए हम लोग क्लॉकवाइज मूव करते हैं और इन तीनों फिंगर्स के द्वारा हम लोग मॉडरेट प्रेशर लगाते हुए ब्रेस्ट को फील करते हैं। हर कोना हर एंगल से प्रॉपरली एग्जामिन होना चाहिए, जिससे कोई भी एरिया बचे नहीं। फिर इसके बाद इनर सर्कल की तरफ मूव करते हैं और इनर सर्कल को भी इसी तरीके से 12 o'clock से वापस 12 o'clock तक मूव करते करते हाथ को लाते हैं और पूरे ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं। और लास्ट में हम लोग निपल के अराउंड का एरिया एग्जामिन करते हैं और उसको थोड़ा सा प्रेस करके कोई डिस्चार्ज तो नहीं है ये देखते हैं। जनरली ब्रेस्ट कैंसर में ब्लडी डिस्चार्ज या रक्त के कलर का डिस्चार्ज आता है। ठीक इसी तरीके से हम अपने राइट ब्रेस्ट को फील करते हैं, जिसमें राइट हैंड को सिर के नीचे रखते हैं और लेफ्ट हैंड से हम लोग ब्रेस्ट को सर्क्यूलर मोशन में फील करते हैं 12 o'clock पोजीशन से लेकर वापस से 12 o'clock पोजीशन तक। इसी तरीके से हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में अंडर द शावर अपने आप को एग्जामिन करते हैं। शावर में जब हम लोग नहाते हैं तो ब्रेस्ट स्लिपरी हो जाते हैं और जब हम हाथ से एग्जामिन करते हैं तो बहुत ही जल्दी कोई भी छोटी गांठ होती है तो फील हो जाती है। तो ब्रेस्ट एग्जामिन करने के लिए शावर के अंडर खड़े हो जाएं, थोड़ा सा जब सोप लगा लेते हैं तो अपने वही तीन फिंगर से स्वीपिंग पोजिशन में जहाँ बाहर से लेकर निपल की साइड तक हम लोग अपने हाथ को सहलाते हुए आते हैं, जिससे कोई भी छोटी सी गांठ होती है तो वो हम लोगों को इन फिंगर टिप से इजीली फील हो जाती है। 20 साल की उम्र से लगभग 65 साल की उम्र तक सभी महिलाओं को करना चाहिए। हर महीने या हर 30 दिन में एक बार ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए। जनरली प्री मीनोपॉजल विमेन में ये पीरियड्स खत्म होने के 2 या 3 दिन के बाद शुरू करा जाता है। पोस्ट मीनोपॉजल और प्रेग्नेंट वुमेन में कोई एक पर्टिकुलर डे हर महीने, लाइक लास्ट सैटरडे या कोई भी एक दिन, हर 30 दिन में एग्जामिन करना चाहिए। 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं या जिनकी फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो, उनको साल में एक बार मैमोग्राफी के लिए अवश्य जाना चाहिए। मैमोग्राफी में ब्रेस्ट को एक्सरे के द्वारा एग्जामिन करा जाता है। इसमें सॉफ्ट एक्सरेज यूज करते हैं, जिसमें ब्रेस्ट का एक इमेज लिया जाता है। कोई भी गांठ या कोई भी माइक्रो कैल्सिफिकेशन होता है तो इसको बहुत ही अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है, जिससे न केवल छोटी स्टेज में या अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन हो जाता है, कई बार ब्रेस्ट कैंसर से होने की पूर्व स्टेज या प्री स्टेज में भी डायग्नोसिस हो जाती है। 40 वर्ष से कम महिलाओं में जनरली मैमोग्राफी का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं देखा गया है, क्योंकि ब्रेस्ट थोड़े डेंस होते हैं तो छोटी गांठें मिस हो जाती हैं और इसके अलावा एक्सरे एक्सपोजर हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं। तो 40 साल से
पहले की महिलाएं जो होती हैं, अगर उनको ब्रेस्ट में गांठ फील होती है तो उनको अल्ट्रासोनोग्राफी या MRI के लिए जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग अर्ली डिटेक्शन से ब्रेस्ट कैंसर को हरा सकते हैं और सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। धन्यवाद।